आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सोयाबीन, सरसों, मूंगफली के तेल के दाम कम करने के लिए बनाया गया आवश्यक वस्तु अधिनियम का सख्ती से पालन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में उज्जैन में खाद्य विभाग ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 70 करोड़ रुपए की सोयाबीन और 10 लाख रुपए की कीमत का अन्य तेल जब्त किया है। ये मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे बड़ी कार्रवाई है। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार ने 30 मार्च को तेल तिलहन व्यापारी नियंत्रक अधिनियम को सख्ती से लागू कर दिया है। इसका पालन कराते हुए उज्जैन के खाद्य विभाग ने दो महत्वपूर्ण कार्रवाई की। खाद्य विभाग ने डी मार्ट पर छापा मारते हुए 10 लाख रुपए की कीमत का खाद्य तेल जब्त किया। डी मार्ट द्वारा फुटकर सामान बेचने का लाइसेंस ले रखा था, उसने क्षमता से अधिक थोक में तेल जमा कर रखा था। इस मामले में खाद्य विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत तक कार्रवाई की। वहीं उज्जैन के समीप बड़नगर रोड पर स्थित एक सोयाबीन प्लांट पर खाद्य विभाग ने छापा मारकर 97,000 क्विंटल सोयाबीन जब्त किया। यहां पर 1.5 लाख क्विंटल से ज़्यादा सोयाबीन रखा गया था, जो कि अधिक भंडारण की श्रेणी में आता है। खाद्य नियंत्रक के मुताबिक जो भी प्लांट तेल का निर्माण करता है वह 3 महीने का स्टॉक रख सकता है, लेकिन यहाँ पर 3 महीने के स्टॉक से ज़्यादा सोयाबीन रखी गई थी। खाद्य विभाग ने वहाँ से 70 करोड़ रुपए की सोयाबीन जब्त की है। खाद्य नियंत्रक ने बताया कि केंद्र सरकार के लागू करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी तेल तिलहन व्यापारी नियंत्रण अधिनियम को लागू करते हुए 30 अप्रैल तक व्यापारियों को अपना स्टॉक मेंटेन करने का समय दिया था। इसके बाद कार्रवाई यहाँ शुरू हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि नया कानून तेल से संबंधित है, भले ही वह सरसों का तेल हो या फिर मूंगफली का, सभी पर नया नियम लागू हो रहा है, इसलिए व्यापारियों को अब तेल को लेकर सतर्कता बरतना आवश्यक है। खाद्य नियंत्रक के मुताबिक यह नया कानून तेल के दाम पर नियंत्रण के लिए बनाया गया है। जब भी किसी वस्तु के दाम को नियंत्रित करना होता है, सरकार उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ले आती है। पूर्व में दाल को भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लाया गया था। सरकार के नए कानून से तेल के दाम कम होने की पूरी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप, बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाए, अपने कारोबार को बढ़ाए, मुनाफा कमाए, खुशियां कमाए। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।